ये सुंदर नजारा आप देख रहे हैं ना, घने घने बादल जो कुछ जमीन को छूने वाले हैं, और सेवों के बागान और उसमें रहने वाले लोग यानी कैंप में, और ठंडी ठंडी बरसात। ये प्यारी जगह है कसौल नामक एक गांव की, जो हिमाचल में स्थित है पार्वती घाटी में। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। यह घाटी पार्वती नदी और व्यास नदी के संगम से शुरू होती है, भुंतर शहर से पूर्व की ओर बहती है। यह घाटी प्राकृतिक दृश्यों से सजी हुई है। यहाँ की ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और तभी यहाँ पे घूमने सबसे ज्यादा पर्यटक आते हैं। यहाँ पे घूमना बहुत ही अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे आप स्वर्ग में आ गए हैं। ये मेरा पर्सनल अनुभव है, काफी ज्यादा सुंदर लगता है। पार्वती नदी में घूमने से आपको ना प्रकृति शांति का अनुभव होगा, जो सच में बहुत ही ज्यादा दिल को लुभाने वाला है। यहाँ आना ऐसा लगता है जैसे जिंदगी भर के लिए हार हो जाए, मानसिक शांति बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे बहुत सारी ट्रैकिंग भी होती है। पार्वती नदी जो कि सफेद नदी के नाम से जानी जाती है, रिवर राफ्टिंग भी होती है, इसे भी आप जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज का जरूर ध्यान रखें, जो कि मैंने नहीं रख पाया। जब मैं यहाँ आई थी तो मैं बरसात के समय आ गई, उस समय आप नदी का उफान देख सकते हैं कितना हाई है। ना तो यहाँ ट्रैकिंग हो सकती थी, ना तो हो सकता था यहाँ पर रिवर राफ्टिंग का आनंद लेना। ये कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ से आप जान बचा के सिर्फ अपने घर जा सकते हैं और थोड़ा बहुत रुक कर कैंप में रुक सकते हैं, जो कि जंगली जानवर आने का सबसे ज्यादा खतरा होता है, खासकर अजगर, सांप और फिर कई बार शेर वगैरह भी आपको दर्शन दे जाते हैं। और परमात्मा की प्राप्ति दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा अनुभव है। अगर आप परमात्मा की प्राप्ति लेना चाहते हैं तो यहाँ पर बरसात के समय में जरूर आए। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं तो यहाँ पर कभी भी ना आए बरसात के समय, क्योंकि इस समय सबसे ज्यादा पहाड़ों का गिरना, नदियों का हाई पावर में जाना, इससे कि आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। यहाँ पे बादल बिल्कुल जमीन को छूने को आते हैं, जो कि काफी सुंदर अनुभव है। यहाँ पे अगर आप आए हैं तो कैंप में रुकने से अच्छा है कि अगर आप बरसात में हैं तो आप रुकिए होटल में, जो काफी सुरक्षित और अच्छा रहेगा। यहाँ के जो पत्थर है वो भी सफेद होते हैं, क्योंकि सफेद नदी में नदी के पत्थर अक्सर सफेद हो जाते हैं, जो काफी अच्छे और बढ़िया अनुभव है। आप ऊपर ट्रैक करके भी जा सकते हैं अगर आप में क्षमता, वैसे बरसात में तो बिल्कुल भी ना जाएं। और यहाँ सेब की चाय पीना बिल्कुल भी ना भूलें, जो कि काफी अच्छा अनुभव आपके लिए रहने वाला है। वैसे तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता दूं, यहाँ घने जंगल हैं जिनमें घूमकर भी आपको अच्छा लगे। पार्वती घाटी में बहने वाली नदियों को पार्वती नदी कहा जाता है। पार्वती घाटी का नाम पार्वती घाटी इसलिए पड़ा क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने 3000 वर्षों तक तपस्या की थी, इसलिए इसका नाम पार्वती घाटी पड़ा। यह कुल्लू जिले में स्थित एक बहुत ही प्यारा स्थान है। यहाँ पर आकर ट्रैक करना बिल्कुल ना भूलें। लेकिन अगर आप सर्दियों में या गर्मियों में आ रहे हैं तो आप आनंद से यहाँ भर जाएंगे। यहाँ पर आने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप दिल्ली से कार कर लें, जो कि आप आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर आप कुल्लू एयरपोर्ट से आ सकते हैं, जो कि यहाँ पर रेलवे स्टेशन तो नहीं है पर हाँ आप एयरपोर्ट है तो आप उससे आ सकते हैं, आसान पड़ेगा आपके लिए। और भी कई स्थानों से आप यहाँ पर आ सकते हैं अगर आपको उनके बारे में पता है। मैं यहाँ पर पहला मेरा ट्रैक था जो कि मैंने विजिट किया था, पर तेज बारिश होने से मैं यहाँ पर कोई भी ट्रैक या फिर रिवर राफ्टिंग आनंद नहीं ले पाई। लेकिन ये काफी अच्छा और बढ़िया अनुभव था। एक बार घूम कर भले ही मैं यहाँ 2 या 3 दिन के लिए आई थी, उसके बाद मुझे लगा यहाँ जरूर आना चाहिए। यह है एक नेशनल पार्क जो कि इन्होंने बना रखा है, जो कि आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी आकर आप विजिट कर सकते हैं, जो कि 17 किलोमीटर दूर है, जो यानी कसौल में पड़ता है, क्योंकि पार्वती वैली कसौल से 17 किलोमीटर दूर है। नीचे नदी बहती है और ऊपर आप अच्छे से आनंद ले सकते हैं उस पार्क का, जो कि काफी अच्छा अनुभव रहा मेरा। यहाँ पर भी आकर आप अपना दिन बिता सकते हैं। मोमोज खाना बिल्कुल ना भूलें। यहाँ तिब्बतियन हिप्पी मार्केट भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आप बहुत सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इस ब्रिज से बाहर निकल के आप दूसरी साइड भी जा सकते हैं, जो कि उस समय बंद था क्योंकि तेज, और देख सकते हैं धुआंधार नदी बह रही है, जिससे कि कितने सुंदर बादल बन रहे हैं। यहाँ पर आकर आप रुक सकते हैं कैंप्स में, जो कि बहुत सारे हरे हरे और लाल लाल सेब से भरे बागानों में इसके बीच में थी, जो कि काफी अच्छा अनुभव रहेगा। यहाँ का बाजार भी घूमेगा। और अगर आप सुबह उठकर ट्रैक पे निकलना चाह रहे हैं तो सुबह उठकर पहले नजारों का आनंद लें, सेब की चाय पिए और यहाँ बैठकर देखें कितना ही सुंदर नजारे। आप यहाँ के मार्केट में जगह पर पैदल घूम सकते हैं और काफी जगह भी घूम सकते हैं। आपको मेरा सफर कैसा रहा और आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं इसके बारे में मुझे जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आपके कमेंट से
आपका उतने पर मेरा जरूर भला हो जाए, क्योंकि मुझे मोटिवेशन मिलते कि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाऊँ और अच्छे अच्छे काम करूँ, ताकि आपके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। और यहाँ पर मणिकर्ण जरूर देखें अगर आप यहाँ पर आएँ, जो कि यहाँ से थोड़े ही दूर है, एक बार जरूर विजिट करें। वो भी काफ़ी अच्छी सिखों का स्थान है, गुरुद्वारा है, काफ़ी प्यारा स्थान है, और वहाँ भी ज़रूर विजिट करें। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। आपके एक लाइक सब्सक्राइब से मेरा जरूर बहुत भला हो जाएगा। आपको मेरी वीडियो में क्या क्या अच्छा लगा जरूर बताइए, और क्या क्या मुझे इम्प्रूव करना चाहिए इसके बारे में भी मुझे जरूर बताइए। इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए आप जरूर जाएंगे। इसके बाद मैं जाऊँगी आनंदपुर साहिब, जिसकी वीडियो भी मैं डालूंगी, जो कि आपको इसके बाद मिल जाएगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। मैं कसौल पहली बार गई थी, जो कि मुझे ज्यादा जानकारी नहीं थी ये क्यों फेमस है क्या नहीं। जब मैं लौट कर आई, देन आई टेल माय फ्रेंड्स कि ओह माय गॉड मैं कसौल गई थी, देन दे टेल मी ओह तो तुम ये करने गई थी, किस चीज के लिए फेमस है, होप सो आप जानते हो। तो वो सब चीजें नहीं करनी है आपको अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो। इसके बाद यहाँ क्लब्स पब्स भी बहुत ज्यादा फेमस है। जनरली मैं उन चीजों को जाना विजिट पसंद नहीं करती, अगर आप करते हैं तो यहाँ जरूर जाएं। बहुत ही ज्यादा फेमस है, बड़े बड़े क्लब्स आपको यहाँ मिल जाएंगे, काफी सारी चीजें करने को भी मिल जाएंगी, तो आप जा सकते हैं करने। काफी जगह है तो आप पूछ सकते हैं। बस हम तो गए थे बहुत सारा नजारा लेने और सुंदर सुंदर नदियों और पहाड़ों को देखने, जो कि मेरा सबसे अच्छा प्यारा विजिट था। मतलब भले मेरे ट्रैक नहीं गया, बट ये अनुभव बहुत ही ज्यादा